हायाबुसा, ओहो जेसन पाजी वाली फीलिंग आ रही भाई। सही है यार। बारह दिन हो गए मेरी बाइक चलो नहीं, 12-13 दिन। यस, ओहो अंदर भी धूल चला गया, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा इसको। एक बार में स्टॉप, दिस हैपन ऑलवेज व्हेन आई कम टू माय नियर माय चौक पचपड़ीना का चौक। तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते जय जोहर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 15 डेज, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर था भाई साहब। और आज गाड़ी को चलाने के लिए निकला हूँ, शाम को 6:50 हुए हैं और सुबह बस से आया मैं आज 5:30 मंडला से। तो रात को तो ऐसी नींद नहीं पड़ा था तो आके सो गया था मैं। तो मैं गाड़ी में पहले हवा डलवाता हूँ, का मोबाइल चार्जर लाया हूँ, मतलब खरीदा था उसको लगवाना है, मतलब चार्जिंग वाला, ये विदाउट चार्जिंग है। तो भाई ने पूरा हवा खोला है उसके बाद इसको डाल रहे हैं। सामने का भी पूरा हवा खोल दिया क्या? हाँ। नहीं 35 करो, इसमें 40-40 डलता है दोनों साइड, 35-40 नाइट्रोजन है ना। तो रेडी टू गो। और आवाज कैसे रिकॉर्ड हो रहा बताइए, क्योंकि ऑडियो सिस्टम भी लगाया हूँ तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए इसमें भाई। उसमें थोड़ा सा पोनी उन्हें डाल के मैंने थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कम आया करके इसको ऐसे रखा है, थोड़ा ऑडियो कम रिकॉर्ड होगा आवाज़, लेकिन हाई स्पीड में जो विंड ब्लास्ट आता है वो नहीं आएगा। 100 के ऊपर चलाऊंगा तो आएगा ही यार। और ये सामने का हैंडल अभी भी टक टक वाली आवाज़ आ रही है, ठीक से फिट नहीं किया उन्होंने। जहाँ से रिकॉर्ड करोगे वहीं से रिकॉर्ड होगा ना यार। माइक के लिए अंदर सेटअप है, ये लगा हुआ है अडॉप्टर, ये अडॉप्टर लगता है, उसके बाद ये माइक लगता है रोड का छोटा वाला, उसके बाद हाँ अलग से लगाना पड़ता है। हाँ लगा हुआ, हाँ आपकी है 19 का मॉडल है हायाबुसा। ओहो ये एससी प्रोजेक्टर ओरिजिनल है, वाह यार मस्त है। इसको आपने ग्राफिक्स कराया अलग से? नहीं, एग्जॉस्ट बाकी पीस वही है, ओरिजिनल है। अरे मजा आती होगी यार चलाने में इसको। डोमिनार है गाड़ी देखा तो टीआर के लगे। नहीं मॉडिफाई है वो। कुछ कर सीधा से मैं जो हेलमेट जो सिलेक्ट कर रहा हूं उससे ये लग दो पर लग सकते हैं? हां लग जाएगा। ये नंबर दे दो, मैं आपको ना थोड़ा परेशान करूंगा। पीछे का लोड क्यों गाड़ी में? मैंने 50+। तो ये आदित्य भाई हैं जिसकी हायाबुसा है, 2019 मॉडल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये वाइट कलर ना मुझे बहुत पसंद है, तभी मैंने वाइट लिया, वाइट हेलमेट है मेरा, वाइट कलर ही अच्छा लगता है। और ये जो रेड कलर का है ना वो मतलब अट्रैक्शन बढ़ा देता है। तो चालू करके देखो, जेसन पाजी वाली फीलिंग आ रही भाई। ओ सही है यार, पूरा जेसन पाजी वाली फीलिंग आ रही है। मस्त है। मैं हेलमेट लेने आया था यहाँ पे तो अभी लेके नहीं जा रहा हूँ, ले लिया मैंने बट बाद में लेके जाऊँगा, अभी गाड़ी में ले जाते नहीं बनेगा, मैं थोड़ा काम से इधर जा रहा हूँ। तो बढ़िया लगा ये, कभी चलाएंगे, राइड पे आओ कभी। अच्छा हाँ हाँ, वर्जन फर्स्ट वर्जन, सेकंड, अभी जो आई वो थर्ड वर्जन है, ये सेकंड। काफी मेंटेन करके रखे हो आप। अभी भी ऐसी रहेगी, 6 साल बाद जाएगा यार, मैं गाड़ी खुद कम यूज करता हूं। अच्छा, हम लोग का रिपब्लिक राइडर्स करके ग्रुप है, कभी आओ राइड पे संडे वनडे को मॉर्निंग में जाते हैं। हाँ कॉल कर लीजिएगा मुझे। तो स्पॉटेड हायाबुसा काफी अच्छा लग रहा है, ये अभी अभी लिए हैं, 15.5 लाख कुछ पड़ा है इनको, सेकंड हैंड है लेकिन 2019 मॉडल है। उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कराया भाई ने, सिर्फ जो एग्जॉस्ट है उसको बस चेंज कराया है। और ये जो हेलमेट है उसमें विंड ज़्यादा आता है, बहुत लूज़ हो गया है, एक दो बार गिर भी गया है, इस वजह से
थोड़ा क्रैक क्रैक वाला आवाज़ आता है, तो उस वजह से भी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो रायपुर में आज 15 दिन बाद घूमी तो भाई यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, रात्रिकालीन क्रिकेट स्पर्धा। ओके वाह, तो प्रोजेक्टर में भी दिखा रहे हैं लाइव, सही है यार। पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक, ओके नाम चेंज हो गया है, और ये वाला चौक जो है थोड़ा सा रिनोवेट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। झीरम घाटी के शहीदों को नमन, अच्छा इसके तर्ज पे रखा है इस चौक का नाम। देखो सिटी कोतवाली भी चेंज हो गया है, यहाँ पे जो चौक था उसको तोड़ दिए हैं, जो जगह की कमी हो रही थी, और सिटी कोतवाली का जो थाना था उसको पीछे कर दिए हैं, शिफ्ट कर दिए। सदर बाज़ार वाला रोड डोमिनार को लेके मैं सदर बाज़ार में घूम रहा हूँ भाई। तो हम इसमें अभी चार्जर फिट कराने जा रहे हैं, मोबाइल चार्जर को, तो वो हमारे भाई के पास जा रहे हैं भाई। देखो मैंने केला लिया है अभी दुकान से, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कल बस से आया ना मैं रात को, तो अजीब से लग रहा था, तो पहले खा लेते हैं भाई इसको। देखो कैसे काला काला हो गया हूँ मैं, इतने दिन बाद आया, 15 दिन बाद घर आया हूँ, और वहाँ पे पूरा धूप में घूमना हो रहा था मेरा, इसलिए एकदम ऐसे दिख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ग्रूमिंग कराया मैंने आज सैलून जाके, तो थोड़ा सा दिख रहा हूँ अच्छा, बाकी एकदम काला हो गया था यार, पतला दुबला भी हो गया हूँ, इसलिए शायद हेलमेट भी अच्छे से फिट आ गया एम साइज। ऐसे अभी जाके लूँगा मैं, वो तो कल ले लूँगा, अभी तो यहाँ टाइम लग जाएगा लग रहा है। एनीवेज तो अभी ये है अपना वोवो का चार्जिंग वाला मोबाइल, और ये है अपना पुराना वाला, तो पुराना वाला भी सही है, बट चार्जिंग वाला चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है, पावर बैंक हर जगह मैं यूज़ नहीं कर पाता। एक क्विक चार्ज वाला है जो का क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, तो GoPro में कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो ऑडियो थोड़ा सा सह लेना। हेलो अमर भाई, है ना, मतलब डायरेक्ट बैटरी से लगा सकते हैं अपन, बट इसमें क्या करना, इग्निशन से दो, ताकि इग्निशन सप्लाई करते हैं, जब अपन ही चार्ज कर सके, जब गाड़ी चालू हो तभी वो चार्ज हो, है ना, तो कोई भी चार्ज कर लेगा, वीडियो देख भी रहे। इट्स 11:29, अभी काम ख़त्म हुआ, क्योंकि चार्जिंग जो है वो फिट नहीं हो रहा था चार्जर, उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे, तो उसको बना रहा था। प्रॉब्लम मीन्स जो लाइट का प्रॉब्लम था ना, पहले फ्यूज़ हो गया बोले थे, वो फ्यूज़ नहीं था। अब बोलेंगे फिर गाड़ी बनवा रहा, अरे भाई चार्जर लगवाने आया था मैं, उसमें क्या गाड़ी बनवाने आऊँगा। आ गए भैया के शॉप में, प्रेम भैया के शॉप में, और भैया को काम दे दिया फिर से मैंने। हेलमेट पे माउंट कर रहा है, हेलमेट माउंट, नया हेलमेट लिया है, कल ही लिया मैंने इसको रात में, लेकिन लाया नहीं था, अभी लेके आया मैं, गाड़ी बनाने भी चला गया, 11:30 बज गया था रात को। ये मैंने ब्लैक कलर का लिया, इसका प्राइस भी थोड़ा कम था, और फीचर सेम है, सेम इसके सेम हेलमेट है, सेम मॉडल है, बट साइज़ छोटा है, एम साइज़ है, और एम साइज़ परफेक्ट फिट आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी बड़ा साइज़ था तो हो रहा था ढीला। अब इसको क्या है, कुछ दिन यूज़ करूँगा ना, तो और यूज़ टू हो जाएगा ये, तो बड़े दिनों बाद आज आया हूँ भैया से मिलने, भैया कुछ दिन में चले जाएंगे, परसों शनिवार को जा रहे हैं बाइक देखो अभी तो बाइक से जाने वाले थे ना, हाँ अगर इनकेस बाइक से जाते हैं तो भाई भैया को थोड़ा हेल्प कर देंगे रोड वोड में। कौन सा रूट है शेयर कर देंगे इंस्टाग्राम में। MCL लेंगे ना, तो ये वाला लेना, ये बॉन्ड सेट का आता है, ये MCL अच्छा रहता है, MCL तो दूसरा कंपनी है ना, हाँ तो ये वाला लेना, फास्ट सेटिंग लिखा हुआ, ये वाला का थोड़ा नरम रहता है, नरम भी रहता है और जल्दी सेट होता है। को कितना मस्त फिनिशिंग दिया भैया ने, लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ माउंट हुआ है अलग से, इतना अच्छा फिनिशिंग दिया है। देखो जूम हो रहा है क्या, शॉप का कार्ड है यहाँ पे, इन लोग क्या काम करते हैं, एक्रेलिक, हाँ मेन अपना काम कोरियर का है, कोरियर, बाकी MDF कटर वगैरह CNC मशीन है, और बाकी कुछ डिजाइनर हाईलाइट सब, अच्छा ये सब है। 100% एक्रेलिक सॉलिड सरफेस, श्री वेंकटेश्वरा, श्री विश्वकर्मा ट्रेडर, सॉरी। स्क्रीनशॉट ले लेना और संपर्क कर लेना भैया से, कुछ काम होगा आपके घर में, जैसे वहाँ पर बना हुआ, देखो विश्वकर्मा जी का मूर्ति बना है, फोटो है, लाइट लगा हुआ है, इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं घर में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी सब करते हैं भैया लोग, तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
ये हो गया भैया रेडी, पूरा सेटअप हो गया भैया ने किया है, अंदर माइक वाइक भी लग गया, इंटरकॉम भी लग गया है, और कैमरा बस माउंट करना है, फिर इसमें वॉइस रिकॉर्ड करके देखेंगे, फिर आप बताना कि कैसा आवाज़ आ रहा है। इसमें विंड नॉइज़ तो नहीं आएगा, अगर विंड नॉइज़ आता है तो इसका भी जुगाड़ है अपने पास, बट अभी दुकान बंद होने वाला है क्योंकि 7 बज चुके हैं, तो ढूंढना पड़ेगा। वैसे वो चीज़ है जो यहाँ पे लगता है, फोम का कुछ आता है, इससे विंड जो आता है ना यहाँ पे, जो इस जगह पे यहाँ पर, तो वहाँ पे लगा देंगे तो विंड नहीं जाएगा। फ्लिपर फिल्मेट है, तो फ्लिपर फिल्मेट में क्या होता है ये ऊपर नीचे करना पड़ता है बार बार, तो जब बंद करते हैं तो पूरा बंद नहीं होता, ये खुला रहता है थोड़ा सा, तो यहाँ से भी हवा जाता है तो विंड नॉइज़ जाता है, तो उसमें अपन कुछ जुगाड़ करेंगे। तो थैंक यू भैया आपका, ऑलवेज मेरा पुराना हेलमेट, किसी को चाहिए तो ले लेना, कॉन्टेक्ट में इंस्टाग्राम आईडी। अब नर्मदा परिक्रमा में थे तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, बनाया तो हूँ बट उतने अच्छे से नहीं बनाया, और सब स्पिरिचुअल टाइप का चीज़ है तो क्या दिखाऊंगा, फिर भी मैं डाल दूंगा वीडियो, बनाया हूँ तो कुछ कुछ पार्ट्स हैं, ड्रोन शॉट्स वगैरह भी अमरकंटक के, तो उसको भी डाल दूंगा मैं, एक 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। झिल्ली निकालो, और भैया ने इतना अच्छा फिट किया है कि देखो ये भी खुल जाता है, अब क्या बोलते हैं वेंटिलेशन सॉरी उद्घाटन है, अंदर का भी अंदर बोल रहा है क्या नहीं है, और ये भी मतलब प्रॉपर खुलता है, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ा। तो पिछली बार में ये भी काटे थे, ये खुल रहा था लेकिन इसको काटे थे। हाँ, स्मोक वाइजर है ये, और इसमें आपका जो वाइजर है वो पिन लॉक है, मतलब एंटी फॉग है। चलो भाई चलते हैं, ये रख देते हैं इसको पुराने वाले को टॉप बॉक्स में। हाँ, अरे ये जैकेट अलग से था धूप में पहनने के लिए, यहाँ रख देता हूँ। और क्या चाहिए, हेलमेट आ गया अपना, रेडी टू राइड, रेडी टू लॉन्ग राइड। टॉप बॉक्स जरूरी है यार, अब सामान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है बताइए भाई। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, रेगुलर वीडियो इधर आएगा, बस बने रहिए चैनल पर।